पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर नोमान रईस साहब इस वक्त राशन के ट्रक निकालने में हमारा साथ दे रहे हैं। एक सेकंड खाली टाइम देंगे रोमान भाई, एक सेकंड खाली टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम रोमान भाई, लोग देख रहे हैं आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आप जाएं नेट पे बैठ के कोई तफरियां करें, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाएं, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने भारी भारी बोरे उठा रहे हैं, ट्रक में लोड करवा रहे हैं, क्या है ये? नहीं नहीं जफर भाई, देखें ये कोई टाइम नहीं है इस वक्त सोशल मीडिया यूज करने का, बहुत यूज कर लिया, बहुत बातें कर ली, ये टाइम है लोगों की मदद करने का। और मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मैं खुद घरों में राशन बांट कर आया हूँ, बच्चे भूख से रो रहे हैं और बाप उससे नजरें नहीं मिला पा रहा क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। ये बात हुकूमत नहीं मान रही, मैं बार बार चीख रहा हूँ, मैं माननी चाहिए, चाहे इसमें हुकूमत हो, इसमें हमारी सेलिब्रिटीज हो, हमारे कोई भी लोग हो जो इस काबिल है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हैसियत दी है कि वो कर सकते हैं, तो प्लीज निकले, जान ऐसे भी आनी है वैसे भी आनी है, मौत से न डरे, अपनी एहतियात पूरी रखें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने। और रोमान भाई, जब आपने उन बच्चों के घरों पे राशन दिया, मैं तो खुद देख रहा हूँ आप जिस तरह 150-200 राशन बना रहे हैं, आपने उन बच्चों और उन बाप के चेहरों पे खुशी देखी? बिल्कुल सर, जब मैंने उनको राशन दिया तो उस बाप ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे उसको कोई मैंने निशान हैदर का तमगा दे दिया हो, तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता लोगों का बहुत बुरा हाल है। प्लीज प्लीज खुदारा लोगों का सोचें, इंसानियत का सोचें और अपने घर से निकले, नहीं निकल सकते तो कोई फंड जमा करा दें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे JDC है और जो ईडी फाउंडेशन है, ईडी फाउंडेशन जितने भी सारे हैं, उन लोगों को निकाल के फंड दें ताकि वो आप लोगों की तरफ से लोगों की मदद करें, ताकि आप लोगों की रूह को भी सुकून आए कि यार हम अपने लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोमान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार देखें पाकिस्तान का फखर बोरे उठा रहा है, 20-20, 25-25 किलो, सबको निकलना पड़ेगा, हर शख्स को सोचना पड़ेगा, इससे पहले ये लोग घरों से बाहर आ जाएं जो बेचारे भूखे हैं। खुदा के लिए इन लोगों का साथ दें।